खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां रेत खनन करने वाले गुर्गों ने उत्पात मचाकर रखा है। रेत खनन करने वाली कंपनी धनलक्ष्मी के गुर्गों ने स्थानीय ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ भी की है। मामले की शिकायत पीड़ित दिलीन तिवारी ने थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने अवैध रेत खनन करने वाले हाईबा को पकड़ा है। साथ ही मुरम मिट्टी से भरे ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। कुछ विवाद की जानकारी थाना परिक्षेत्र में प्राप्त हुई है कि जो कुछ रेत का ठेका जिनके द्वारा निष्पादित किया जाना है, उन लोगों के द्वारा कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई थी। दोनों ही पक्षों के द्वारा बाल विवाद संबंधी शिकायत दी गई है और मारपीट संबंधी जानकारी तो नहीं, किंतु बाल विवाद होने संबंधी जानकारी पुलिस को मिली है। दोनों ही शिकायतों को जाँच में लिया जा रहा है और जो जाँच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस पर हम कार्रवाई। सर, जो उनके गुर्गे उनके क्या पुलिस वेरिफिकेशन है क्या? अभी उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, कुछ हल्का फुल्का विवाद होने की जानकारी लगी है। सर, बताया जा रहा है कल हथियार लिए थे वो लोग, ये ऐसी जानकारी पुलिस को नहीं है कि उनके द्वारा हथियार धारण किए गए थे। उनके सारे हथियार थाने में ऑलरेडी जमा हुए।